आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। शुरुआत करते हैं उत्तराखंड खबरों की। खबर टिहरी से है, जहां भाजपा द्वारा कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत को 6 वर्षों के लिए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाने पर उत्तराखंड की सियासत गर्मा गई है। उत्तराखंड यूथ कांग्रेस के नेताओं ने उम्मीद जताई कि हरक सिंह रावत जल्द कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, इससे कांग्रेस और मजबूत होगी। वहीं यूथ कांग्रेस के जिला महामंत्री आशीष राणा कोठी ने भाजपा पर धर्म, जाति और क्षेत्रवाद के नाम पर उन्माद फैलाने, आपस में लड़ाने और साम दाम दंड भेद से सत्ता हथियाने वाली पार्टी बताया है। और क्या कुछ कहा है आप भी सुनिए। भाजपा ने देश में धर्म के नाम पर जनता को लड़ाने का काम किया है और आज हरक सिंह रावत भाजपा से दरकिनार हुए हैं। वो भाजपा की जो जन विरोधी नीतियाँ थी उनसे वो परेशान थे, हताश थे। पूर्व में भी हमने देखा है कि उनके जो भी विकास कार्य उन्होंने मांग रखी थी सरकार के सामने, उनकी कोई भी मांग सरकार ने मानी नहीं है। इसलिए आज वो सरकार भाजपा से दरकिनार हैं और वो बहुत जल्द जो है कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। हमें उम्मीद है कि 2022 में कांग्रेस सरकार बनाएगी। जो भाजपा का नारा है कि हम 60 पार करेंगे, 60 पार कांग्रेस करेगी। और मेरा ये मानना है कि भाजपा के कुछ प्रत्याशी तो अपनी जमानत नहीं बचा पाएंगे। खबर कलियर से है, जहां चुनाव नजदीक आते ही जिले में आचार संहिता लागू हो चुकी है, जिस कारण शासन प्रशासन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। इसको लेकर बेड़पुर चौक शासन प्रशासन की टीम ने जबरदस्त चेकिंग अभियान चलाया। वहीं प्रभारी मजिस्ट्रेट आलोक कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि टीम का कार्य चुनाव में हर प्रकार की धांधली को रोकना, बैनर हटवाना आदि ऐसे कार्य जिनसे आचार संहिता का उल्लंघन होता हो उन सभी गतिविधियों पर निगाहें रखना होता है। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे ने आज कलेक्ट्रेट सभागार पौड़ी में जिला सेक्टर राज्य सेक्टर केंद्र पोषित 20 सूत्री योजनाओं की बैठक ली। जिन्होंने आयोजित बैठक में संबंधित अधिकारियों को गंभीरता से कार्य करने के आश्वासक दिशा निर्देश दिए। बैठक में बताया कि जिन निर्माण कार्यों के टेंडर पूरे हो चुके हैं उनके शीघ्र कार्य प्रारंभ करना सुनिश्चित करें। इस दौरान उन्होंने अधिशासी अभियंता बैंजरों को निर्देशित किया कि 15 फरवरी 2022 तक अधूरे कार्यों को पूर्ण करना सुनिश्चित करें। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां एक सप्ताह पूर्व हुई बारिश के बाद नरेंद्र नगर और आसपास का क्षेत्र पिछले 3 दिनों से जबरदस्त कोहरे की चपेट में है। कोहरे की गहनी परतों से पारा इतना लुढ़क गया है कि लोगों के घरों की छतों से जबरदस्त पानी टपक रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं। 3 दिनों से लगातार घना कोहरे के छाए में नरेंद्र नगर के लोग जी रहे हैं और कोहरा इतना घना है कि लोगों के घरों में अंदर घुस के छत में पानी टपक रहा है और उनके बिस्तरों तक जा रहा है। हम चाहते हैं कि इस कोहरे से कब निजात मिले और मौसम खुशगवार। विधानसभा चुनाव प्रचार में आजकल कुछ पार्टियों द्वारा शासन प्रशासन द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस का खुले आम धड़ल्ले से धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। वहीं विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आता जा रहा है, वैसे ही सभी पार्टियों ने अपनी कमर कस ली है और कुछ पार्टियों ने अपने प्रत्याशी भी घोषित कर दिए हैं। जैसे आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ममता सिंह ने गांव दर गांव जाकर चुनाव प्रचार चलाया। उसी को देखते हुए विधानसभा ज्वालापुर के जनता के बीच जा रही और शासन प्रशासन द्वारा गाइडलाइंस की खुले आम धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ना तो मास्क का प्रयोग किया जा रहा है और ना ही सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है। खबर नरेंद्र नगर से है, जहां एक सप्ताह पूर्व हुई बारिश के बाद नरेंद्र नगर और आसपास का क्षेत्र पिछले 3 दिनों से जबरदस्त कोहरे की चपेट में है। कोहरे की घनी परतों से पारा इतना लुढ़क गया है कि लोगों के घरों की छतों से जबरदस्त पानी टपक रहा है, जिससे लोगों की परेशानियां बढ़ गई हैं।
तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जहां कोहरे की वजह से लगातार पानी टपक रहा है लोगों के घरों से, और हमारे संवाददाता ने जायजा भी लिया है। देखिए क्या कुछ रिपोर्ट है। नरेंद्र नगर का पूरा क्षेत्र ठंड की जबरदस्त चपेट में है, और ज्यादा यहाँ जो परेशानी है वो लोगों को इससे हो रही है कि लगातार कोहरे की जबरदस्त बड़ी घनी परत जो है वो जमी हुई है, और ऐसी परत कि पहली बार लोग देख रहे हैं कि उनके मकान के छत के नीचे से जो है पानी टपक रहा है, और मवेशी भी बड़े परेशान हैं, और लोग सोच रहे हैं कि कब जो है इस कोहरे से हमको निजात मिले, और ठंड से भी कब निजात मिले, कब कोहरा छटे और सामान्य मौसम हो। मैं वसुपति रयाल, नरेंद्र नगर। रुड़की के प्रांत कलियर में डीएफओ ने आरा मशीनों का औचक निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने अनियमितता पाने पर एक आरा मशीन को सीज कर दिया, जबकि मशीनों की जांच की जा रही है। इस दौरान उन्होंने आरा मशीनों के दस्तावेजों की जांच की है, जिनमें अनियमितता मिलने से एक आरा मशीन को सीज कर दिया गया है। इस संबंध में मशीन स्वामियों से स्पष्टीकरण भी मांगा गया है। आरा मशीनों को सीज किया गया है, इनके जो स्टॉक रजिस्टर है वो मैच नहीं कर रहे हैं और कंप्लीट भी नहीं है। जो लकड़ी है और रवन्ने हैं वो भी मैच नहीं कर रहे हैं, दैट्स मींस कि वो अभी इनसे स्पष्टीकरण मांगा गया है, सीज किया गया है, दस्तावेज मांगे, और ये भी अवैध प्राइम ऑफिस से अवैध सामने आ रहा है, सीज किया गया, और पंजीकरण वगैरह और बाकी के दस्तावेजों में भी गड़बड़ी। चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर गई हैं। वहीं विधानसभा प्रांत कलियर से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम ने कहा कि इस सरकार ने महंगाई से जनता की कमर तोड़ दी है। उन्होंने कहा कि विकास को लेकर तो प्रांत कलियर एक धार्मिक स्थल है, जहां के विधायक कांग्रेसी हैं, 10 साल राज कर चुके हैं, लेकिन विधानसभा कलियर की गंदगी साफ नहीं कर पाए। जी का एक बयान आया था कि मेरा विकास देखना हो तो गांव में जाइए, तो मैं आज बेड़ला गांव में आया था यहाँ पर डोर टू डोर कैंपेनिंग में, तो मैं विकास दिखाना चाहूँगा। आप ये देखिए, ये यहाँ पे पूरा विकास दिखाई है, ये तालाब है यहाँ पे, और कितना बड़ा सौंदर्यकरण कराया गया है विधायक जी के द्वारा, बीजेपी सरकार के द्वारा, विधायक जी के द्वारा। आप ये देखिए, ये रोड पर गोबर पड़ा है, मैं बता रहा हूँ रोड पर गोबर पड़ा है, रोडें टूटे हुई है, ये सामने देखिए आप, बहुत बुरी कंडीशन में पूरा एरिया है। अगर विधायक जी ने काम नहीं किया तो कम से कम ये तो कह सकते हैं कि साहब मैं कुछ क्षेत्रों में काम कराया, कुछ में नहीं कराया। जनता जवाब देने का काम करेगी, जनता उन्हें आईना दिखाएगी, और यहाँ के युवा। खबर लक्सर से है, जहां नौ जोड़ी एक्सप्रेस रेलगाड़ी एक सप्ताह के लिए निरस्त की जा चुकी है। दरअसल आलमनगर में रेलवे के काम के चलते मेगा ब्लॉक हो गया है, और साथ ही इसी के साथ 5 रेलगाड़ियां जो उत्तराखंड से होकर गुजरने वाली हैं, उन्हें भी निरस्त कर दिया गया है। मुरादाबाद मंडल के सीनियर डीसीएम सुधीर कुमार ने इस मामले पर विस्तार से जानकारी दी, जहां उन्होंने बताया कि लखनऊ के पास आलमनगर में रेलवे ट्रैक पर दोहरीकरण एनएचआई वर्क के चलते ट्रेन निरस्त की गई है। लालकुआ में आचार संहिता और कोविड नियमों का पालन कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो गई है। इसी में डीआईजी नीलेश आनंद भरणे ने पुलिस चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया। आचार संहिता को लेकर जिले की सभी सीमाओं पर बने पुलिस चेक पोस्ट पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है, जिसको लेकर लालकुआ के पुलिस चेक पोस्ट पर भी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है, जहां सभी तरह के वाहनों की जांच की जा रही है। कोई इस तरह से अगर सूचना मिलती है तो गाड़ियों की आकस्मिक चेकिंग करते रहे, ताकि शराब पैसा इस तरह से कहीं अगर वो होती है तो अधिक से अधिक बरामदगी करें। अभी ये सारा टांडा नगला लाल कुआ ये सब एरिया, ये नई गाड़ियां आज से शुरुआत हो गई है, जिसमें 112 के अधीन जो है ये गाड़ियां चलेगी, और जैसे भी कोई जहाँ भी सूचना मिलेगी तत्काल गाड़ियाँ मौके पर पहुँचेगी। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 14 फरवरी को 70 विधानसभा सीटों पर मतदान होगा। ऐसे में अब सभी राजनीतिक दल धीरे धीरे अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर रहे हैं, तो वहीं उत्तराखंड की सियासत में अब एक नया मोड़ आ गया है, और उस मोड़ का मान है हरक सिंह रावत। चलिए आपको इस पैकेज के साथ छोड़ जाते हैं और देखते हैं क्या है पूरी रिपोर्ट।
उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत को बीजेपी ने 6 साल के लिए पार्टी से निकाल दिया। हरक सिंह रावत के कांग्रेस में शामिल होने की खबरों के बीच बीजेपी ने उनके खिलाफ बड़ा कदम उठाते हुए उन्हें सरकार और बीजेपी दोनों से ही बाहर कर दिया है। इस पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि रावत पार्टी पर उनके परिवार के सदस्यों को टिकट देने का दबाव बना रहे थे। सीएम धामी ने कहा कि हमारी पार्टी में वो आए, उन्होंने विकास के मामले में जो कहा हमने किया, लेकिन हमारी पार्टी वंशवाद से दूर और विकास के साथ चलने वाली पार्टी है। कई बार उनकी कुछ बातों से हम असहज हुए, स्थितियां ऐसी हुई कि वो पार्टी पर दबाव बना रहे थे, जिसके बाद पार्टी ने ये निर्णय लिया। साथ ही अब एक परिवार से एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा। हमारी पार्टी में वो आए और हमने उनको बहुत सहज से और कई बार जो विकास के मामले में उन्होंने जितनी बातें भी जो भी करी हम लोगों ने हमेशा किया, लेकिन हमारी पार्टी हमेशा विकासवाद पर चलने वाली पार्टी है, राष्ट्रवाद पर चलने वाली पार्टी है, वंशवाद से दूर चलने वाली पार्टी है और सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास जो एक मंत्र है, उस मंत्र को लेकर हम आगे बढ़ रहे थे। उसमें कई बार जब वो बातें करते थे तो हम लोग असहज भी होते थे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी पार्टी, हमारा परिवार बड़ा परिवार है, हमने कोशिश करी हमेशा उनको लेकर चले, लेकिन यहां पर चूंकि स्थितियां ऐसी हो गई कि वो अपने समेत अपने परिवार के लिए और अन्य लोगों के लिए पार्टी पर दबाव कर रहे थे, तो इसलिए पार्टी ने निर्णय लिया। हम आगे नहीं बढ़ रहे। हाँ, निश्चित रूप से हमने तय किया है कि एक परिवार से एक व्यक्ति को ही टिकट दिया जाएगा और किसी के परिवार में हम 2 टिकट 3 टिकट नहीं देंगे, क्योंकि हमारी पार्टी हमेशा इसके खिलाफ है। वहीं सरकार और पार्टी से निकाले जाने के बाद भी हरक सिंह रावत के तेवर नरम नहीं हुए। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में कांग्रेस ही सरकार बनाएगी। रावत ने कहा कि वह कांग्रेस के लिए अब पूरे तन मन से काम करेंगे। रावत के अनुसार आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत पक्की है। इन्होंने मनगणत खबरों के आधार पर निर्णय ले लिया, अब क्या बोलेंगे? क्या ये बोलेंगे कि हाँ हमने हरक सिंह को काम नहीं करने दिया, मेडिकल कॉलेज नहीं बना दिया, हमने सेंट्रल स्कूल नहीं खोला, हमने रुद्रप्रयाग कुरदार जिला नहीं बनाया, हमने रोजगार नहीं दिया लोगों को, हमने महंगाई कर दी, हमें कमियां ही कमियां, ये तो नहीं बोलेंगे ना? अरे जिनके घर शीशे होते हैं उनको पता नहीं मानना चाहिए। मैं इन सबको समझता हूँ ना, सबको समझता हूँ, मैं ऊपर से लेकर नीचे सबको जानता हूँ मैं। सर इस विधानसभा ऐसा ना, हमारे सब नंगे हैं, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा हूँ। अब मेरे पे लांछन लगा के, मेरे पे पत्थर डाल के कि मैं इसलिए, मैंने पहला जो सिर्फ इतना 3-4 दिन पहले कहा, मैंने कहा देखो मैं अभी वहां गया था, लेस्ट्रॉन गया था, वो लड़की बहुत अच्छा काम कर रही है, आप एक बार, मैं नहीं लड़ना चाहता हूँ चुनाव, आप उस पर विचार कर लो, इतनी बात हुई थी। उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा है, मैं अमित शाह जी से, नड्डा जी से इस मुद्दे पे बातचीत करूंगा। ये कोई पहला मौका नहीं था जब हरक की वजह से बीजेपी असहज हुई हो। लगातार अपने तल्ख तेवर की वजह से हरक सुर्खियों में रहते हैं, तो वहीं इस बार हरक सिंह रावत पर आरोप लगा कि हरक पार्टी पर 3 टिकट देने का दबाव बना रहे थे। वह पार्टी से खुद के अतिरिक्त अपनी पुत्रवधू और अपने एक समर्थक को टिकट देने की मांग कर रहे थे, लेकिन पार्टी हरक के आगे नहीं झुकी और उल्टा उन्हें मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर पार्टी से भी 6 साल के लिए निलंबित कर दिया। इससे पहले भी दिसंबर में हरक सिंह रावत कैबिनेट से उठकर चले गए थे और इस्तीफे की धमकी दी थी। तब राज्य सरकार ने उनकी मांग मानते हुए कोटद्वार में एक मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दे दी थी, लेकिन इस बार हरक सिंह रावत की मांग और ज्यादा बढ़ गई। 1991 में पौड़ी से भाजपा की टिकट पर विधायक निर्वाचित। 1991 कल्याण सिंह सरकार में सबसे युवा मंत्री बने। 1993 में फिर पौड़ी सीट से निर्वाचित हुए। 1995 विवादों के बीच भाजपा का साथ छोड़ा। 1997 मायावती के नेतृत्व वाली बसपा में शामिल। 1997 में यूपी खादी ग्रामोद्योग में उपाध्यक्ष बने। 2002
कांग्रेस से लेंस डाउन के विधायक बने। 2002 तिवारी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। वहीं 2003 जेनी प्रकरण में इस्तीफा देना पड़ा। 2007 फिर से लेंस डाउन के विधायक बने। 2007 में कांग्रेस से नेता विपक्ष बनाए गए। 2012 रुद्रप्रयाग से विधायक निर्वाचित हुए। 2016 कांग्रेस से इस्तीफा दिया, भाजपा में वापसी। 2017 भाजपा से कोटद्वार से विधायक बने। 2017 भाजपा सरकार में फिर मंत्री बनाए गए। 2022 भाजपा सरकार से बर्खास्त किए गए। माना जा रहा है कि अब हरक सिंह रावत दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। हरक सिंह रावत 5 साल पहले कांग्रेस से बागी होकर बीजेपी में आए थे। वैसे हरक सिंह रावत का राजनीतिक दल बदलने का इतिहास काफी पुराना है। हालांकि अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि हरक इस बार क्या कदम उठाते हैं और उनके कदम का फायदा किसको मिलता है। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।